उपभोक्तावाद की संस्कृति व्यंग्य। आजकल विलासिता की वस्तुओं से सारा बाजार भरा पड़ा है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर प्रयासरत रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए, जैसे टूथपेस्ट। यह हमारे दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह हमारे मुंह की दुर्गंध को हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है। इसके अतिरिक्त यह हमारे दांतों को पूर्ण सुरक्षा भी देता है। किसी भी पेस्ट का एक मैजिक फॉर्मूला होता है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना होता है। अब आप बाजार में जाएं और जो आपको पसंद आए उसे चुन लें। अब यदि पेस्ट अच्छी गुणवत्ता का है तो ब्रश भी अच्छा ही होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक मिल जाएंगे। सूची और भी बढ़ सकती है, परंतु इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ की बात करें तो यह और भी चमत्कृत कर देने वाली है। अनेकों प्रकार के प्रसाधन के सामान बाजार में पटे पड़े हैं, परंतु प्रति माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अब आप साबुन को ही लीजिए, सिर्फ एक में हल्की खुशबू और दूसरे में तेज। एक दिन भर आपको तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीने की दुर्गंध को रोकता है, जबकि तीसरा कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, अब सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई को समझना चाहते हैं? यह लीजिए, शरीर को पवित्र रखने का साबुन। यह लीजिए, शुद्ध गंगा जल से बना साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस प्रकार संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-35 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो आम बात है। यदि पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए तो इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये सभी प्रतिष्ठा चिन्ह की श्रेणी में आते हैं, समाज में आपकी हैसियत को दर्शाते हैं। महिलाओं के साथ पुरुष भी इस होड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब आफ्टर शेव और कुलोन जो आ गए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इन सामग्रियों को छोड़कर। वस्त्र एवं परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए परिधानों से बाजार पटा पड़ा है। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। अब घड़ी को ही लीजिए, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी, लेकिन आजकल हैसियत दिखाने के लिए लोग 50-60 हजार से लेकर 4-5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की थोड़ी भी समझ हो या ना हो, दिखाने के लिए कीमती म्यूजिक सिस्टम लेना जरूरी है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, पर महज दिखावे के लिए इन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लोग पहले घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते थे, लेकिन आजकल रेस्टोरेंट में जाना आम बात है। खाने के लिए 5 सितारा, 3 सितारा आदि होटल बनाए गए, लेकिन अब उनमें विवाह भी होने लगे हैं। यही नहीं, अब तो बीमार होने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अलावा यह अनुभव काफी चर्चा का विषय भी बना रहेगा। पढ़ाई के लिए भी उच्च कोटि की बिल्डिंग वाला स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाए जा रहे हों। भारत में अभी से तो ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में आपको मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम के लिए बुकिंग कराना जरूरी है,
एक कीमत पर। आपकी कब्र के पास हमेशा हरियाली रहेगी, मनचाहे फूल होंगे। यदि आप चाहें तो वहां फव्वारे भी लगे होंगे और मंद ध्वनि में संगीत भी चलता रहेगा। हो सकता है कल भारत में भी ऐसी परंपरा प्रारंभ हो जाए। प्रतिष्ठा एवं शान शौकत के अनेक रूप हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह तो थी एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह वर्णित उपभोग विशिष्ट जन के समाज का है, पर सामान्य जन भी इनके लिए ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब आइए हम भारतीय संस्कृति की विरासत के विकास की चर्चा करें। हम भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंतु परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हम आज पश्चिम की संस्कृति के उपनिवेश बन रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि हमारे समाज में इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा। संस्कृति में गिरावट के कारण हम विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हटते जा रहे हैं। हम छूटी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? श्यामचरण दुबे।